अकाउंटेंसी क्लास और बेटा अब से हम इस तरह से पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ लेसन आपसे मैंने उस टाइम पर छुड़वा दिए थे। उसका रीज़न था बेसिकली क्योंकि अकाउंट्स की टर्म्स को आप दैट टाइम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने जहाँ से आप अकाउंट्स को अच्छे से ग्रब कर लो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब हम राइट ऑफ द स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लेसन है। ओके, तो इसका जो मीनिंग है अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है, एक हर पॉइंट का अपनी एक इम्पॉर्टेंस ही है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगी। और इसको याद करने का मतलब है आपकी 50% थ्योरी क्लियर हो गई, राइट। देखो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक है, मीनिंग समझाती हूँ आपको मैं। देखो, इस पूरी डेफिनेशन से जो अपने एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट निकल कर आ रहा है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट, राइट। सेकंड है मेजर द फाइनेंशियल इवेंट, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग देम क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग और यू कैन से एनालाइजिंग, देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग। यानी कि जो आपके डेफिनेशन है उसमें से ये इसके की पॉइंट्स निकल कर आए सारे, और ये जो की पॉइंट्स हैं इनको समझेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये देखना है कि हम जो भी बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है या नहीं है। तो फर्स्ट तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट, यानी उन ट्रांजेक्शन को आपको इन्वॉल्व करना है जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इन द सेंस जिनका रिलेवेंट मॉनेटरी वैल्यूज से है। ठीक, सेकेंड है, अब आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका आप उसको मेजर तो करेंगे, मेजर करेंगे तभी तो जाकर मतलब आप एनालाइज कर पाएंगे उस चीज़ को। यानी मेजर करना यानी आप उसको किसी यूनिट में तो आप क्लासिफाइड तभी तो कर पाओगे। तो फिर सेकेंड स्टेप पर हम उसको मेजर करते हैं उन फाइनेंशियल इवेंट को, थर्ड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। रिकॉर्ड करने के बाद अब यहाँ जो रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट होता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट होता है आपका जर्नल एंट्रीज में, जो हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। रिकॉर्डिंग यानी सबसे पहले हमने ये देखा कि मॉनेटरी वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं, सेकेंड थिंग पर उसको मेजर करेंगे कि यानी वो मेजरेबल है या नहीं है, राइट। थर्ड पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द जर्नल एंट्रीज, और इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड इन द सेंस कि जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम एक साइड रखते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमने परचेज का ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पर लिखते हैं, सारा परचेज बुक में, राइट। सेल्स का है तो हमने कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में। सिमिलर नेचर के हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया ताकि हम उसको मंथ के बेस पर, ईयर के बेस पर क्या कर सके, उसको मेजर कर सके और एनालाइज कर सके। नेक्स्ट है फिर समराइज। फिर हमने जब क्लासिफाइड कर दिया उसके अब समरी हमको बनानी है। इस स्टेप पर समरी करने के बाद ही हम ये निकाल पाएंगे कि एक्चुअल में हम हमारे पास जो भी मतलब हमारे पास डेटा है वो डेटा के बेस पर हम समराइज करके निकाल सकते हैं कि क्या हमने परचेज किया, क्या सेल किया, राइट। तो इसके बाद
समराइज करने के बाद आपके सारे जितने भी आपकी मॉनेटरी वैल्यू की एक्टिविटीज है उनको समरी कर दिया आपने। समरी करने पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, लास्ट में हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, राइट। लास्ट में हम ये समरी तैयार करते हैं इन सारे ट्रांजेक्शन के बेस पर, और फिर हम एनालाइज, इंटरप्रेटिंग और एनालाइज यानी कि हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन है क्या, ठीक है। तो आपको ये समझ आता है कि ये करना जरूरी है या नहीं है। आप ऐसे समझो कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं, हम आपके ड्यूरिंग द सेशन बीच बीच में हम आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आपके मिड टर्म भी होते हैं, तो वो क्यों होते हैं सारे के सारे, ताकि हम लास्ट में हम ये एनालाइज कर पाए कि हम सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। तो वो ये सारी चीज़ें भी इस तरह से ज़रूरी है। देन आफ्टर जो लास्ट है वो है कम्युनिकेटिंग टू रिलेटेड यूज़र। अब एक बिजनेस से बहुत सारे यूजर्स इसके जो है वो कनेक्टेड होते हैं, लाइक आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस में आप जितने भी हम सोसाइटी की सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमको टैक्स भी पे करना पड़ता है, कुछ मॉरल ड्यूटी भी होती है, तो गवर्नमेंट को हमें मतलब गवर्नमेंट हमसे हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारे इम्प्लॉइज जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं वो भी अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि वो ग्रोइंग स्टेज पर है या नहीं, राइट। इसके अलावा जो ओनर है उसको भी पता होना चाहिए, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, यानी उन सारे यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बेस पर, राइट। तो ये कितने स्टेप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 स्टेप। यदि आपको ये याद है तो इसी के बेस पर आप इसको डेफिनेशन को याद कर लोगे। तो एक बार और समझते हैं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अच्छा, इसको सिस्टमेटिक प्रोसेस क्यों बोला है अपन ने, क्योंकि हम इसमें से किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, और किसी भी स्टेप को हम मतलब इसको ऐसा नहीं कि आप मतलब पहले मेजर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, नो, ये एक ही इसी सीक्वेंस में सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो ये डेफिनेशन बहुत काम की है, इसी डेफिनेशन के बेस पर हम अकाउंट से करेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। इसी डेफिनेशन के बेस पर जो ये एलिमेंट निकल के आए हैं, ये ऑल्सो शो अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। यानी कि यदि आपने इसको याद कर लिया तो आपके पास, आपको एक तो करेक्टरिस्टिक्स इसके बिजनेस के याद हो गए, और एक क्या याद हो गई आपको, अकाउंटिंग प्रोसेस, इज दैट क्लियर। तो इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, राइट, क्लासिफाइंग एंड देन आफ्टर समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड यूजर। तो आपके जैसे ही लेसन स्टार्ट होता है उसमें आपको डेफिनेशन ये गिवन है, और अकॉर्डिंग टू AICPA भी आपके इंफॉर्मेशन इसके डेफिनेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको अच्छे से एक बार आप ढंग से पढ़ेंगे, इसको लर्न करेंगे, देन आफ्टर इसके करेक्टरिस्टिक्स इसमें से निकलेंगी और प्रोसेस इसका निकलेगा। ओके, नेक्स्ट अपन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अपन इसके ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखना, एनालाइज करना, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वो जरूरी है। अकाउंटिंग करना जरूरी क्यों है, क्या ऑब्जेक्ट है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आपको पता है जैसे कि हमारे सराउंडिंग में कितने सारे बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बार ट्रांजेक्शन होगा, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। यदि उन ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करें तो क्या उनको हम मतलब मेमोराइज कर रख सकते हैं, उनको हम लंबे समय तक उनको याद नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते तो आगे फिर वर्किंग कैसे होगी, क्योंकि मे बी कुछ ट्रांजेक्शन तो हमारे कैश में हो गए हों, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट बेस पे हुए हों, तो आप कैसे हैंडल करोगे इतने सारे ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पर अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा, ताकि हम फ्यूचर के किसी भी सिचुएशन को आप मतलब होल्ड कर पाओ। सेकेंड है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। जाहिर सी बात है कि यदि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस
अब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, यदि आप उनको नहीं लिख रहे हो तो आपने जहाँ से शुरू किया, आप कहाँ तक पहुँच गए, उस ड्यूरेशन में आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसको हम बिल्कुल भी कैसे भी हम उसका मतलब उसका हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। फिर है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजिशन, डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजिशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजिशन? देखो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब क्या है, राइट? फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब ये है कि किसी भी डेट को आपकी बिजनेस की जो फाइनेंस की पोजिशन है वो है क्या, यानी कि आप प्रॉफिट में है लॉस में है, या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि जो भी हम आगे फर्दर अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हम किस बेस पर लेंगे, जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे हाथ में होगी, यानी हमको पता होगा कि हमारे बिजनेस की सिचुएशन है क्या। यदि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेस है तो जाहिर सी बात है हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। यदि हमारे वो कैलकुलेशन हम कब कर पाएंगे, जबकि हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम तीन अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, राइट? ये इसका जो सेकेंड नेम है वो इनकम स्टेटमेंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सेकेंड बेस पर हम बनाते हैं, मतलब फर्स्ट में दिया गया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, और सेकेंड बेस पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बस दो अकाउंट बनाते हैं अपन, ये मैंने एक साथ लिख दिया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, पी एंड एल अकाउंट बना अलग बनता है, लेकिन इसको हम एक साथ ही बना सकते हैं, तो इसको दो भी बोल सकते हैं। तो एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी वो एक मतलब ये वो कंक्लूजन निकल कर आता है पूरे साल भर का। एट द लास्ट मोमेंट बैलेंस शीट हमारी ये शो करती है कि बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, यानी बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बिजनेस के असेट्स हैं, क्या उसको पे ऑफ करना है, राइट? तो सारी उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसके असेट्स क्या है, वो सारी फाइंड आउट होती है इस बैलेंस शीट के थ्रू, ठीक है? तो ये वो मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं जिनके बेस पर हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है? तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि हमारे सारे अकाउंट्स मेंटेन होंगे। फिर है फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट को अपने फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेना है, मतलब रिलेटेड टू ग्रोथ और मतलब ग्रोथ है, एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस का, तो वो सारे मैनेजमेंट को मतलब हेल्प करते हैं उस डिसीजन मेकिंग में। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर जो रिलेटेड यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए भी हमें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होगा। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, ओके, अब अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी फाइनेंशियल अकाउंट्स सॉरी मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करके ही हम कर सकते हैं, अकाउंटिंग करके ही कर सकते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के असेट्स क्या है, क्या उनके वैल्यूज ईयर टू ईयर उनकी मतलब वैल्यूज डाउन हो रही है या रेज हो रही है, वट एवर वो जो भी होगी वो हम तभी पता चल पाएगा जबकि हमारे सारे अकाउंट्स मेंटेन हैं। तो ये हमारी असेट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमको हर साल हमारे असेट्स की एक्चुअल वैल्यूज के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, वापिस से देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। फंक्शंस भी इसके जैसे ही सिमिलर हैं, फंक्शंस देखते हैं अपन। सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये हमने डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टम के बेस पर इसमें अकाउंट्स रखा जाता है, अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है ताकि हम अपने रिकॉर्ड को, हमें जो जितने भी डेटा यूजर्स को मिले, चाहे वो ऑनर है चाहे कोई और आउटसाइडर है, उसको फेयर
जो डेटा है उसको मिल जाए, तो इसलिए सिस्टमेटिक बेस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। फिर है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही है, यानी इन स्टेटमेंट्स को रेडी किया जाता है। फिर है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा ओके, आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बेस पर ही आप किसी लायबिलिटी को आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक जैसे कि मेरे पास यदि मान लो सफिशिएंट फंड है तो ही मैं बिजनेस की ग्रोथ का डिसीजन ले सकती हूँ या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हूँ, है ना। यदि मान लो मैंने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज को कर लूँ तो इन फ्यूचर मुझे पे करने में दिक्कत आएगी, पे करने में दिक्कत आएगी तो मेरी गुडविल क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, तो वो चीज़ मेरे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होगी। यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हम फुलफिल कर सकते हैं जबकि हमारे पास सारे अकाउंट सिस्टमेटिक वे में रेडी हो, तो हम पता चल हमें मतलब हम इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि हम और लाइबिलिटीज को या हम और मतलब अपने बिजनेस के लीगल रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं। फिर है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वही है वो चीज़ कि आप मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना टू रिलेटेड यूजर्स। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये अकाउंट्स जो है अकाउंटिंग प्रोसेस है ये मैनेजमेंट के एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके बेस पर ही मैनेजमेंट इजीली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकता है। यानी कि अकाउंट्स यदि आपके प्रॉपरली मेंटेन है तो ही वो डिसीजन मेकिंग आसानी से किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन अपना ले सकता है, तो इसमें मैनेजमेंट की अकाउंटिंग प्रोसेस हेल्प करता है। ओके okay?